भाइयों बहनों, मेरा जन्म गुजरात में हुआ, मेरा कार्य क्षेत्र गुजरात रहा और मैंने देखा है कि वहां सहकारी प्रवृत्ति के माध्यम से दूध के लिए जो काम हुआ है उस काम ने वहां के किसानों के जीवन को एक नई ताकत दी है। मुझे बताया गया कि लखनऊ कानपुर के इलाके में गुजरात से आई हुई बनास डेयरी ने किसानों से दूध खरीदने का प्रारंभ किया है और उसके कारण पहले किसानों को जो दूध मिलता था उससे अनेक गुना दूध आज किसानों को दूध के दाम मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे बताया गया इस काशी क्षेत्र के किसानों का दूध भी बनास डेयरी खरीदने के लिए शुरू करने वाली है। मुझे विश्वास है कि जब ये दूध खरीदने का काम शुरू होगा, डेयरी के माध्यम से खरीद होगा, फैट के आधार पर खरीद करना शुरू होगा, तो इस काशी क्षेत्र के किसानों को भी बहुत बड़ी मात्रा में दूध के दामों में बढ़ोतरी होगी और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। और इसलिए किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए गुजरात सरकार की मदद से, बनास डेयरी की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश के किसानों को ये शुभकामनाएं देता हूं कि दूध उत्पादन पशुपालन का काम आगे बढ़ाने में हम सब मिलकर के प्रयास करें। भाइयों बहनों, ২০২২ भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और भारत की आजादी के 75 साल 2022 में हो रहे हैं, तब हमारे देश के आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना चाहिए। 5 साल के लिए उस संकल्प के लिए अपनी शक्ति और समय लगाना चाहिए, उन संकल्प को पूरा करके रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक एक एक संकल्प लेते हैं तो देश 5 साल के भीतर भीतर 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 2022 आजादी का संकल्प हमारा संकल्प है, 2022 तक हम हमारे किसानों की आय डबल करें, दोगुना करें। और उसके लिए पशुपालन एक मार्ग है, खेती में आधुनिकता लाना एक मार्ग है, सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा पशु को जमीन की जांच हो, परख हो और किसान को पूरी उसकी मदद मिले, इस काम को बल देने की दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बनने के बाद जिस तेजी से पशुओं को, किसानों को जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चला है, वो आने वाले दिनों में हमारे किसानों की भलाई के लिए काम आने वाला है। उसी प्रकार से हम में से कोई गंदगी में जीना पसंद नहीं करता, कोई इंसान नहीं होगा जो गंदगी को नफरत नहीं करता, हर किसी को गंदगी के प्रति नफरत है। लेकिन स्वच्छता ये हमारी जिम्मेवारी है, ये स्वभाव हमारे देश में पनपा नहीं है। हम गंदगी करते हैं, स्वच्छता कोई और करेगा, इसी हमारी मानसिकता का परिणाम है कि हमें
भारत को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हमारे गांवों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हमारे नगरों को जैसा स्वच्छ बनाना चाहिए, हम नहीं बना पा रहे। आप में से कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि स्वच्छता ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है, स्वच्छता ये हर परिवार की जिम्मेवारी है। और इसलिए इस स्वच्छता ये सिर्फ अच्छा गांव लगे, अच्छा मोहल्ला लगे इतने से काफी नहीं है। स्वच्छता हमारे आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। भांति भांति की जो बीमारियां बढ़ रही है उसके मूल में गंदगी होती है। अभी यूनिसेफ ने 10,000 परिवारों का सर्वे किया भारत में, टॉयलेट बनाने वाली बात को लेकर सर्वे किया। और मैंने कल एक अखबार में पढ़ा कि यूनिसेफ ने कहा है अगर टॉयलेट घर में है तो सालाना 50,000 रुपया जो बीमारी के पीछे खर्च होता है वो बच जाता है। आज मुझे यहां पड़ोस में ही एक छोटे से गांव में टॉयलेट बनाने के काम करने का सौभाग्य मिला और गांव के लोगों ने तय किया है कि वे 2 अक्टूबर तक गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। गांव का एक भी व्यक्ति 2 अक्टूबर के बाद खुले में शौच करने नहीं जाएगा, ये संकल्प गांव के लोगों ने लिया है। मुझे खुशी हुई कि नवरात्रि के इस पावन पर्व में मुझे शौचालय की ईंट रखने का सद्भाग्य मिला। मेरे लिए वह भी एक पूजा है, स्वच्छता मेरे लिए पूजा है। स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को बीमारी से मुक्त कराएगी, स्वच्छता मेरे देश में गरीबों को आरोग्य के कारण जो आर्थिक बोझ आता है उससे मुक्ति दिलाएगी। और इसलिए एक गरीबों की भलाई करने का मेरा अभियान है और उसमें जो लोग साथ दे रहे हैं मैं उनको बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी हुई, सामान्य रूप से हमारे देश में शौचालय शब्द प्रचलित है, लेकिन आज मैंने जिस गांव में जाकर के शौचालय के नींव रखी, वहां जितने शौचालय बने हुए थे उस पर लिखा हुआ है इज्जत घर। ये शब्द मुझे इतना अच्छा लगा, ये शौचालय सच्चे मुच में एक इज्जत घर है, खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए ये इज्जत घर है। और जहां इज्जत घर है वहां घर की भी इज्जत है, जहां इज्जत घर है वहां गांव की भी इज्जत है। और इसलिए ये इज्जत घर शब्द देने के लिए, शौचालय को इज्जत घर से पहचानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस काम के लिए भी बधाई देता हूं। उन्होंने शौचालय की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। इज्जत घर नाम आने वाले दिनों में जो भी इज्जत के लिए जागृत है, जिसको भी इज्जत की चिंता है, वो जरूर इज्जत घर बनाएगा, वो जरूर इज्जत घर का उपयोग करेगा और इज्जतवान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।